हेलो, मैं तनया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दुनिया भर की यूनिक चीज़ों पे वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। ब्लैक मैजिक सच में होता है या सब बातें झूठ है? ब्लैक मैजिक लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम सब पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो हमारे साथ पूरा वीडियो देखते रहिए और जुड़े रहिए। आज हम देखेंगे कि ये जो लोग होते हैं ब्लैक मैजिक करने वाले, वो जो लोग होते हैं वो अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण के दिन में जो विद्या है वो सीखते हैं, मगर उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दिव्य बोल सकते हैं करना पड़ता है। उनको ऐसे है कि स्मशान में जाना पड़ता है, स्मशान में जाके जलती चिता पे उनको जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें चावल पका के खाने पड़ते हैं, और वो भी पूरे कपड़े उतार कर। वो पहली बार होता है। दूसरी बात में, दूसरी अमावस्या में फिर से उनको पूरे कपड़े निकाल के भगवान शंकर को स्नान कराते हैं, उसके बाद में उनकी पूजा करते हैं भगवान शंकर की। ये दूसरी बार होता है। फिर इसी समय दूसरी बार में जो मांत्रिक होता है, वो इस जो विद्या सिखाने वाला मांत्रिक होता है, वो उनको मंत्र देता है। अब ये जो उनके जो मंत्र होते हैं वो तो गुप्त रहते हैं, और जो ये जो सीखते हैं लोग, जो ब्लैक मैजिक करने वाले जो लोग दूसरों का बुरा करने की जो विद्या है ये सीखते हैं, तो वो सब लोग शंकर भगवान के भक्त होते हैं, तो उनको भूतनाथ भी कहते हैं। और ये सबसे गंदी और बुरी विद्या होती है, इसलिए इसको मैली विद्या भी कहते हैं। ये विद्या क्यों सीखते हैं लोग? शत्रु का नाश करने के लिए। किसी का अच्छा हो तो वो देख नहीं सकते हैं लोग, जलन की वजह से ये विद्या वो सीखते हैं। फिर आपको लगेगा कि भगवान शंकर है, ये उन लोगों को क्यों अपने पास बुलाते हैं या नज़दीक करते हैं? तो इसकी बात ऐसी है कि भगवान शंकर तो भोले हैं, वो तो सबको ही अपने नज़दीक करते हैं। वो जो वर देते हैं उसका हम पर है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। भगवान शंकर उनको ये वर इसलिए नहीं देते कि वो किसी का बुरा करे, भगवान शंकर तो उनको वर इसीलिए देते हैं कि वो अच्छा ही करे, मगर लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो छुरी होती है, वो छुरी से हम कुछ फल भी काटते हैं और किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पे है। जैसे कि आपने भस्मासुर राक्षस की जो कथा है वो तो सुनी होगी। भस्मासुर नाम का जो राक्षस था, उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया, और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के बाद उसने वर मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, और भगवान शंकर ने तो वर दे दिया कि हाँ ऐसे ही होगा। मगर उसके बाद में भस्मासुर तो राक्षस था, उसने तो सबको त्राही माम करके रख दिया। तो एक बार वो भस्मासुर पार्वती देवी के पीछे लग गया, फिर विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप ले लिया, और मोहिनी का रूप लेके वो भस्मासुर के सामने जाके डांस करने लगे। मगर डांस करते करते उन्होंने एक हाथ अपने सिर पे रख दिया, और जो हाथ सिर पे रख दिया तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पे रख दिया और वो भस्म हो गया। ऐसे ही बुराई का अंत तो तय है, निश्चित है, मगर वो हमारे ऊपर है कि अगर भगवान ने हमें वर दिया है तो हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। और एक बुरा इसमें जो एक आता है कि लोग बलि देते हैं, यानी बलि किस किस के लिए देते हैं? कि हमारी वेल है उसमें पानी लगे। मगर एक उत्तर प्रदेश की जो घटना है उसमें ऐसे है कि जो पुल बांध रहे थे, मगर वो पुल हर बारिश के मौसम में वो पुल गिर जाता, तो दूसरे बारिश के मौसम में फिर से वो बांध देते, फिर से गिरता, तो सब लोग कहने लगे कि नहीं, ये इसको बलि चाहिए, इसको बलि चढ़ाना होगा। तब एक इंजीनियर आया जो होशियार था, उसने वो पुल टेढ़ा बांधा। पुल अगर सीधा बांधते थे तब तक पानी, जोर से पानी आता था तो पुल टूट जाता था, गिर जाता था,
मगर जब टेढ़ा बांधा तो पानी का जो जोर था वो कम हो गया और वो पुल बच गया। तो वो पुल आज भी है। वैसे ही कभी कभी ऐसे है कि कुछ कुछ जो बातें हैं वो तो बिल्कुल भी, उनके जो मंत्र भी है वो भी उनमें कुछ अर्थ नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, उसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। तो फिर ऐसे है कि लोग कहते हैं कि फिर भी चमत्कार वो लोग कैसे करते हैं। तो हमारी जितनी श्रद्धा होती है, हम भी अगर श्रद्धा से, पवित्रता से भगवान को पूछते हैं, भगवान से कुछ वर मांगते हैं, तो जैसे हमें सिद्धि मिलती है वैसे ही वो लोग बुरे तरीके से ही सही भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, तो इच्छा होती है उनकी भी वो पूरी हो जाती है। वैसे ही जो बुक है उसमें जो लेखक है उन्होंने उनका अनुभव बताया है कि कैसे उनके साथ क्या हुआ था इस ब्लैक मैजिक की वजह से। तो वो एक गांव में उनकी बदली हो गई, तो गांव में घर तो मिलते नहीं थे या घर मिलना बहुत मुश्किल था, तो जैसे तैसे करके उनको एक घर मिल गया। तो घर मिलने के बाद वो रहने चले गए। दूसरे दिन वो वहाँ पे एक स्टोर पे गए, उनको स्टोर वाले ने बताया कि आप जिस घर में रह रहे हैं ना वो आप जल्दी से छोड़ दीजिए। तो उसने कहा क्यों, क्या हो गया? तो उसने कहा तुम्हारे जो घर मालकिन है, जो घर की जो मालकिन है, वो ब्लैक मैजिक करती है। तो ये सुन के ही वो डर गए और उन्हें लगा कि अभी छोड़ के तो जा नहीं सकते क्योंकि घर मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो वो वैसे ही डर डर के वहाँ पे रहने लगे, मगर उनको ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ कि जिससे उनका कुछ बुरा हो गया हो। उल्टा वो जो घर मालकिन थी उनके कपड़े धो के ला के देती थी, उनको पानी भी दूर से, गांव था तो पानी भरना पड़ता है, गांव से दूर से जाके पानी भर के वो उनके लिए लाती थी। और एक दिन उसने बताया कि आप आ गए ना तो मेरा टाइम बहुत अच्छे से गुजरता है। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो उसने कहा कि मेरे पास तो गांव की कोई भी औरत आती जाती नहीं है, बात भी नहीं करती है, तो मेरा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं गुजरता है। तो उसने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया है? तो उसने थोड़ा डर के कहा कि मुझे ना गांव के लोग बुरा समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। तो उसने पूछा कि ये आपने कहाँ पे सीखा या ये किसने सिखाया आपको ये सब? तो उसने कहा कि मुझे ये एक औरत ने सिखाया जो खुद भी पढ़ी लिखी थी, तो उसने मुझे ये चीज़ें सिखाई। उसने जैसे बताया वैसे मैं करते चली गई। उसने कहा कि तुम्हें सीखने के लिए 7 बार स्मशान में जाना पड़ेगा, और अगर कोई मर गया तो उसका जो बोन होता है मरने के बाद में, तो वो बोन लाना पड़ेगा। तो मगर वो तो बहुत मुश्किल था क्योंकि पूरे बॉडी जल जाने तक लोग वहीं पे रुकते हैं, मगर फिर भी उसने पूरे लोग जाने के बाद उसने पहली अमावस्या को एक बोन लाया, फिर दूसरी अमावस्या को एक बोन लाया, फिर वो बोन घर पे लाते वक्त भी एक मंत्र बोलना रहता है, फिर वो मंत्र बोलते बोलते घर पे आना होता है। वैसे उसने किया, फिर वो 7 बार उसने वैसे बोन्स लाए, अलग अलग चिता के बोन्स वो लेके आई, अलग अलग प्रेतों के 7 बोन्स वो लेके आई। फिर उसने एक कॉपर का जो पानी का बर्तन होता है उसमें पहली अमावस्या को उसने वो जो पहला वाला बोन था वो घुमाते घुमाते फिर एक मंत्र बोला, फिर दूसरा बोन लिया, फिर वो घुमाते घुमाते एक मंत्र बोला, फिर तीसरा, ऐसे 7 बार उसने घुमाते घुमाते मंत्र बोले। फिर उसने कहा कि मगर वो जो मंत्र बोलते हैं तो वो मंत्र बोलते वक्त पूरा ब्लैक कलर के कपड़े पहनने पड़ते हैं, पूरे ये लगाना पड़ता है, कुंकू लगाना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके उस चिता पे वो जो चावल है वो चावल पका के चिता पे, जलती चिता पे चावल पकाने होते हैं और वो चावल पका के वो फिर खाना पड़ता है, और उसके बाद में आप जो बोलेंगे वो होगा, ऐसे उसने मुझे बताया था। मगर मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे उस औरत ने कहा। उसने कहा कि मेरी शादी होके 17 साल हो चुके थे मगर मुझे बच्चा नहीं हुआ, मगर मेरी जो जेठानी थी उसको 7 लड़के और 1 लड़की थी, तो इस जलन के कारण मैंने ये विद्या सीखी, मगर उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। रोज सुबह उठ के मैं वो मेरी जेठानी के लड़कों को, बच्चों को शाप देती थी
मगर उसका कुछ भी उल्टा असर नहीं हुआ, सीधा असर नहीं, उसका कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मुझे पता चला कि ये सब झूठा है और बहुत ही गंदा है जो मैंने सीखा है। मगर तब तक तो गांव में हो गया था कि ये औरत ऐसे है, क्योंकि लोगों ने उन्हें, गांव वालों ने देख लिया था कि ये औरत पूरे बाल खुले छोड़ के, ये सर पे पूरा कुंकू लगा के ये पूरे गांव में घूमती रहती है, कुछ ना कुछ करती है, वो स्मशान में जाती है, ये लोगों ने देख लिया था। बाद में उसको पता चला कि ये जो हम ईश्वर की जो शक्ति है, उसके सामने भूत की शक्ति कुछ भी नहीं है। उस औरत के खुद के पिताजी ईश्वर भक्त थे, किसी भूखे को खाना खिलाए बिना खुद नहीं खाते थे। और उस औरत को अभी बहुत बुरा लगता है कि फिर भी मैंने सीखा, जलन की वजह से मैंने ये सीखा। तो अभी वो औरत सब कुछ छोड़ के फिर से ईश्वर भक्ति में लगी हुई है, भजन करती है, और उसको बहुत ही बुरा लगता है कि उसने ऐसे किया है। तो आप सबको ये कहानी कैसे लगी? वैसे ये कहानी सच्ची है मगर बहुत पुरानी है। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद।